हेलो प्लस वन स्टूडेंट्स तो आज हम अपनी केमिस्ट्री का काम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट के साथ में तो हमारी जो केमिस्ट्री की पहली यूनिट है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री यानी हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है और यहाँ पर केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसके जो बेसिक्स रूल है हम उनके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या दे रखा है तो यहाँ पर देखिए जो पहली जो लाइन है केमिस्ट्री के बारे में बता रखी है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या तो उन्होंने बता रखा है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मोलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री है यह मोलिक्यूलो की साइंस है एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसके द्वारा हम एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द वन हंड्रेड एलिमेंट बट ऑफ दिटी वेराइटी ऑफ द मोलिक्यूल यह सो मोलिक्यूल सो एलिमेंटों की केमिस्ट्री नहीं है यह अनेक अनंत वैरायटी के मोलिक्यूलों के लिए है दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम दैम जिनका जिन मोलिक्यूलों का, का निर्माण हम इन एलिमेंटों से करते हैं तो यहां पर और हम बात करें तो वैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी तो डेफिनेशन बनेगी इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस यह साइंस की वह ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड द केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड्स इनके बारे में हम यहां पर इसके ऊपर बात करेंगे तो आगे हम चलते हैं केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि यह मात्रा आकृति और प्रॉपर्टियों के ऊपर स्टडी करती है और दिस एस्पेक्ट कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द बेसिक कंस्टिटुएंट ऑफ द मैटर ऐटम एंड मोलिक्यूल्स दैट इज वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ द एटम एंड मोलिक्यूल्स यहां पर हम वर्णन करेंगे और समझेंगे जो मुख्य कंस्टिट्यूट है मैटर के वो कौन है एटम और मॉलिक्यूल एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ये सब कुछ तो इसलिए हम इसे साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी पुकारते हैं कैन वी सी द वे ऑफ द प्रीवियस ऑफ दिस एंटिटी इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन द गिवन मास ऑफ द मैटर तो जैसे कि हम बात करें कि कोई भी मैटर है चलो हम पानी की बात करते हैं आपको एक ग्राम पानी दे दिया जाए तो क्या आप उसमें गिन सकते हैं कि कितने सारे एटम हैं या आप गिन सकते हैं कि कितने सारे मोलिक्यूल हैं तो यहां पर हम उन टेक्निक को जानेंगे कि आपको कोई भी मैटर दिया गया है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने सारे एटम हैं और कितने सारे मोलिक्यूल हैं इज इट्स पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल in the given mass of the matter and have the quantitative relationship between the mass and the number of these particles atom and molecule we will like the answer some of these questions in this unit we would further describe the how the physical property of the matter can be the quantitatively described using the numerical value with the suitable unit कि मान लीजिए अगर हम मात्रा को घटा या बढ़ा देते हैं तो उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टियों पर क्या प्रभाव होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टियों पर क्या प्रभाव होगा यहां पर इंपोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज्यादा केमिस्ट्री ये है इंपॉर्टेंट क्यों है हमें क्यों स्टडी करना है द साइंस कैन बी कैन बी व्यू इन द कंटेनिंग द ह्यूमन एफर्ट द सिस्टमाइज द नॉलेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द अंडरस्टैंडिंग द नेचर जो साइंस है हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है इसे और यहाँ पर हम उसे अलग अलग तरीके से देखते हैं और इनका डिस्क्राइबिंग करते हैं चीजों को समझने के लिए फॉर सेकिंग द कन्वेंस द साइंस इज द सब डिवाइडेड इन द वेरियस डिसिप्लिन केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एंड जियोलॉजी आपने देखा होगा साइंस को हम केमिस्ट्री के रूप में फिजिक्स के रूप में बायोलॉजी के रूप में और जियोलॉजी के रूप में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन ये मात्रा की स्टडी करती है प्रॉपर्टीज इंट्रैक्शन ऑफ द मैटर द केमिस्ट आर द इंटरेस्टेड टू नो द हाउ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री में जो केमिस्ट होते हैं वो चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज में कैसे बदला जा सकता है केमिस्ट्री प्ले द सेंट्रल रोल इन द साइंस इज टू इंटरव्यू विद द ब्रांच ऑफ द साइंस लाइक द फिजिक्स बायोलॉजी जियोलॉजी अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो यह एक केंद्र की भूमिका निभाता है सेंट्रल पोजिशन की भूमिका निभाता है क्योंकि जो अगर अगर हमें फिजिक्स के लिए कई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टियों के अनुसार हम उन्हें केमिस्ट्री के द्वारा बना सकते हैं बायोलॉजी में भी कई मेडिशन हमें चाहिए या फिर हम आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स चाहिए तो ये केमिस्ट्री के द्वारा पॉसिबल है तो यहाँ पर केमिस्ट्री हम देखें तो इन सभी साइंस की ब्रांच के बीच में यह एक सेंट्रल रोल निभाती है केमिस्ट्री केमिकल प्रिंसिपल आर द इम्पोर्टेंट In the dissolved area, and such is the weather pattern and functioning of the brain and operations of the computer. The chemical industry manufacturing the fertilizer, alkalies, acid, salt, dyes, polymer, drugs, soap, detergent, metal, alloy, and अदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल, इंक्लूडिंग द न्यू मटेरियल कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी आप अपनी रोज़ाना की जिंदगी में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं कई प्रकार के जो एसिड हो गए हैं बेस हो गए हैं साल्ट हो गए हैं फर्टिलाइजर हो गए हैं डाइज आपकी लाइफ में कई जगह यूज होती है पोलीमर्स मतलब कपड़े प्लास्टिक आप कितनी सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं ड्रग्स दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं साबुन का प्रयोग कर रहे हैं डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं कई प्रकार की मेटल का प्रयोग कर रहे हैं मेटलों से मिलकर बनी एलोए का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में आप पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जो केमिस्ट्री की देन है अब जो हमारे पास नेशनल इकोनॉमी है इसको इंक्रीज करने में भी केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है यहाँ पर आप मार्केट में अलग अलग प्रकार की अलग अलग वैरायटी की चीज़ें जो मार्केट में पाते हैं और नए नए गुणों के अनुसार जो पाते हैं उन्हें जल्दी से खरीदते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है द केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मीटिंग ह्यूमन नीड ऑफ द फूड हेल्थ एंड केयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड मटेरियल एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हम जो खाना खाते हैं अच्छी क्वालिटी का जो खाना खा रहे हैं जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है इसमें भी केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल है स्टडी करी जाती है चीज़ों की प्लांट्स के और मिट्टी के ऊपर स्टडी की जाती है और यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है हेल्थ केयर का इम्प्रूवमेंट है इसके में भी केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है दिस इज द एक्सप्लाइड एंड बाई द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द वैराइट ऑफ द फर्टिलाइजर इंप्रूव दी ऑफ द पेस्टिसाइड एंड द इंसेक्टिसाइड आप देखते हैं कि कई प्रकार के जो फर्टिलाइजर है पेस्टिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड है इनका निर्माण किया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी जिंदगी बचाती है जैसे कि हम बात करते हैं सिस प्लेटिन सिस्प्लेटिन एंड टेक्शॉल द इफेक्टिव इन द कैंसर थेरेपी ये जो दवाइयां है कैंसर की थेरेपी में प्रयोग की जाती है एंड एजर टी इज द एजिडोडीन इज यूज टू हेल्पिंग द एड्स विक्टिम एज टी जो एजिडोथाइमाइडीन है ये जो दवाई यूज की जाती है एड्स के विक्टिम के लिए यूज की जाती है आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स सोर्स एंड प्रिपेयर बाय द सिंथेटिक मैथड्स जो सोर्स है एनिमल प्लांट से प्राप्त करते हुए हम इन्हें सिंथेटिक मैथड के द्वारा प्रिपेयर करते हैं विद ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल प्रिंसिपल्स इट इज नाउ दिकम द पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथाइज न्यू मटीरियल हैविंग द स्पेसिफिक मैगनेटिक इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अब हम जो केमिस्ट्री के द्वारा हम इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं कोई भी मटेरियल है हम उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हुए हम नए प्रकार के यहाँ पर मटेरियलों का डिज़ाइन करते हैं जैसे कि हम बात करें कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का निर्माण करते हैं आ, कार्बन की सहायता से या फिर कार्बन के एलिमेंट या प्लास्टिक के अंदर हमने कंडक्टिंग प्रॉपर्टियों को डिजाइन किया है और उसके अंदर चुंबकीय गुणों को विकसित किया है ऑप्टिकल प्रॉपर्टियों को विकसित किया है दिस हैज लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सुपर कंडक्टिंग क्रेमिक्स एंड कंडक्टिंग पॉलीमर्स यहां पर बात करता है कि हम कार्बन के बने हुए सुपर कंडक्टर जो हाई टेम्परेचर पे भी अगर हम बात करें नेचुरल जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर होती है मगर हम कार्बन या प्लास्टिक से बनी हुई सुपर कंडक्टर हमने बना लिए हैं कंडक्टिंग पॉलीमर बना लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर्स बना लिए हैं हमने लार्ज स्केल ऑफ द देंचराइजेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज द टाक्ट विद द फेयर डिग्री ऑफ द सक्सीड प्रेसिंग ऑफ द एस्पेक्ट इनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सेफर अल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटल हेजॉर्ट एंड रेफ्रिजरेंट्स लाइक द सी एफ सी जैसे कि हम यहां पर आप देख रहे होंगे कि सी एफ सी सी एफ सी की फुल फॉर्म होती क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित कर रहा था यानी हमारे एन्वायरमेंट में जो ओजोन है ओजोन को डिप्लेट कर रहा था हम इसकी सॉल्यूशन को भी यहां से निकाला है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लो डिप्लेशन इन द स्टेटोस्पियर जोन कहाँ पाया जाता है स्टेडोस्पियर में पाया जाता है हैव बीन द सक्सेसफुली सिंथेसिस हाव यूअर मैनी बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी द मैटर्स गिव कंसर्न टू द केमिस्ट्री जैसे कि हमारा एन्वायरमेंटल बढ़ता हुआ पॉल्यूशन हो गया है तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी हमारे जो ग्रीन केमिस्ट्री के द्वारा हम काम कर रहे हैं कि इन पॉल्यूशन को हम किस प्रकार से यहाँ पर हटा सकें one such problems is management of the greenhouse gases like the methane carbon dioxide etc understanding the biochemical process using the chemicals and synthesis a new toxic material are the some intellectual challenge for the future generation of the chemist भविष्य के जो हमारे केमिस्ट हैं उनके लिए कई प्रकार की पॉल्यूशन की जो चैलेंज उनके सामने मौजूद है अभी भी आप देख रहे हैं फिलहाल कोरोना वायरस के केसेस में यहाँ पर केमिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है कि एक अच्छी मेडिसिन वहां पर खोजना जो इसके विरुद्ध लड़ सके ए डेवलपिंग कंट्री लाइक द इंडिया नीड्स टू टैलेंटेड एंड द क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग दस चैलेंज तो जो डेवलपमेंट कंट्री है जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में भी कई प्रकार के जो टैलेंटेड व्यक्ति है जो इस प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उन पर काम कर रहे हैं आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर मैटर के ऊपर बात करते हैं मैटर है क्या प्रकृति में कोई भी चीज यह है जो जगह घेर रही है और मास रखती है हम हाँ, उसे मैटर कहेंगे तो यू आर ऑलरेडी फेमुलर टर्म मैटर नोवी क्लास में आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर होता क्या है फ्रॉम your earlier class, क्लास ईच एनीथिंग has हैज द मास एंड the द स्पेस कोई भी चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर हम उसे मैटर कहते हैं आगे हम बात करते हैं एवरीथिंग अराउंड अस कोई भी चीज़ हमारे चारों ओर जैसे कि बात करें बुक हो गई है पेन हो गया है पेंसिल हो गया है पानी हो गया हवा हो गया किताबें हो गई है जैसे कि पेन और फर्श हो गया है हम खुद हो गए हैं तो ये सभी मैटर और लिविंग बींग्स एक्सेट्रा कंपोस्ड ऑफ द मैटर ये सभी मैटर से बने हैं ये फिर सभी मैटर है यू नो दैट दे हैव द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आपको पता है कि ये जगह घेरते हैं नी कोई भी चीज जो दिख रही है सही नहीं दिख रही है मगर उसका मास है उसके उस जगह घेर रहा है तो वो एक मैटर है तो यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट अगर हम फिजिकल स्टेट के आधार पर देखें तो हम मैटर को तीन अवस्थाओं में बांटते हैं सोलिड लिक्विड और गैस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इन दिस थ्री स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट सो इन इन दोलिड दीज पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज इचर एंड ऑर्डर फैसन एंड देर इज ए नो मटर फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट हम बात करें सोलिड वो सब स्टांस होते हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स है दे हैव द फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स सेप और यहां पर पार्टिकल आ, फ्रीली मूवमेंट नहीं करते हैं हम उन्हें सोलिड्स कहते हैं इन लिक्विड्स अगर हम लिक्विड की बात करें तो द पार्टिकल आर क्लोज टू इच अदर यहाँ पार्टिकल क्लोज होते हैं मगर सोलिड से कम क्लोज होते हैं बट दे कैन मूव अराउंड मगर वे आसपास पास ट्रेवल करते हैं जैसे पानी पानी के अंदर आप देखेंगे पार्टिकल या पानी के मोलिक्यूल से इधर उधर ट्रेवल करते हैं हाउ यूवर इन द गैसेज पार्टिकल्स आर द फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज ऑफ द प्रजेंट इन द सोलिड और लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजिली एंड द फास्ट अगर हम बात करें गैसेस के अंदर तो यहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से और लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले हम बात करें और ये बहुत तेजी से इधर उधर ट्रेवल करते हैं देअर मूवमेंट इज इजिली एंड फास्ट बिकॉज इन द सच अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स नंबर वन सोलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट सेप हमने ये जाना कि सोलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम एक निश्चित वॉल्यूम होता है और एक निश्चित आकृति होती है लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट सेप जो लिक्विड होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है मगर डेफिनेट सेप नहीं होती है जैसे कि एक लीटर पानी ले लीजिए अगर आप उसे बोतल में डालेंगे या जग में डालेंगे या बाल्टी में डालेंगे वो एक ही लीटर रहेगा एक का दो नहीं होगा मगर उसकी आकृति में बदलाव आएगा दे टेकन द सेफ ऑफ द कंटेनर यानी जिस वस्तु में उन्हें डाला गया है वो उस वस्तु जैसा होगा लिक्विड गैसेस दे नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नो डेफिनेट नोटिनेट अगर हम गैसेस के बात बारे में बात करें तो ना तो इनके पास निश्चित वॉल्यूम होगा और ना ही निश्चित सेफ जैसे कि हम बात करें हमारे सिलेंडर में भरी हुई गैस अगर वो गैस लीकेज हो जाए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी अगर बाहर है तो पूरे इन्वायरमेंट में फैलेगी वो उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है ना ही उसका निश्चित वॉल्यूम है द कंप्लीटली ऑक्यूपाइड द कंटेनर एंड दे आर प्लेस्ड यानी जिस कंटेनर में गैस को रखेंगे वो उसे पूरा भर देगी दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंज ऑफ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशनों को चेंज करें तो हम यहां पर इन्हें एक से दूसरे में बदल सकते हैं जैसे कि हम बात करें बर्फ की बात करते हैं चलो अगर बर्फ को हम हीट करें तो पिंगल कर पानी बन जाएगा और अगर हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो वो भाप बन जाएगा मतलब वहां पर वाटर तीनों कंडीशन में है अगर हमने सोलिड को हीट किया तो वो लिक्विड बन जाएगा लिक्विड को और ज्यादा हीट किया तो वो गैस बन जाएगा अगर हमने गैस को कूल किया और प्रेशर हाई किया तो वो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कूल cool किया तो वो सोलिड बन जाएगा तो मतलब सोलिड लिक्विड गैस टेम्परेचर और प्रेशर के अनुसार एक दूसरे के अनुसार बदलते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से सोलिड लिक्विड गैस की तरफ जाएंगे और टेम्परेचर को घटाने और प्रेशर को बढ़ाने से गैस से लिक्विड लिक्विड से सोलिड की तरफ जाएंगे तो आज के हमारी टॉपिक यही थे और हम इन्हीं टॉपिक के बारे में यहाँ पर आज काम करेंगे